हे गणपति बाप्पा, हे विघ्नहर्ता, पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की महामारी के चंगुल में इतनी बुरी तरह से फंसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे प्रभु। कुछ तो चमत्कार करे बाप्पा, कुछ चमत्कार करे। बाप्पा ने चमत्कार किया, सैनिटाइजर छोड़ा, गणपति बाप्पा मोरिया। घाटकों पर वेस्ट के साईनाथ नगर में गणेश मैदान के पीछे ये जो क्रिएटर है, जो इतने फेमस हो चुके हैं, पूरी दुनिया इनके पास आ रही है, बिकॉज इन्होंने ऐसी मूर्ति का निर्माण किया है जो भगवान प्रसाद में सैनिटाइजर देता है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नितिन चौधरी है। अच्छा, हमारा प्रांजल गणपति कला केंद्र से इधर कारखाना चल रहा है। कितने साल से, सबसे पहले तो ये बताओ। ये तो मैं 10-11 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ गणपति मूर्ति। तो हर साल आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, इनोवेशन हर साल कुछ ना कुछ अलग ही रहता है। कितना टाइम लगा पूरा करने में आपको ये? मुझे अभी तो मार्केट पूरा बंद है, ये बहुत टाइम, मैंने एक हफ्ता गया। अच्छा। पूरा सब सामान इधर उधर से अलग अलग जगह से मुझे मंगवाना पड़ा। नहीं लेकिन आइडिया आया कहाँ से? रात को आप सो रहे थे, बप्पा सपने में आया, बोला बेटा मेरे हाथ से कलश से सैनिटाइजर निकल, क्या बोले भगवान? मैं इवेंट लाइट्स का काम करता हूँ, मेरे ड्रामा लाइट्स का काम करता हूँ, इसलिए मुझे वो आदत है कुछ ना कुछ अलग करने की, इसलिए। और हमारा गणपति बप्पा मेरे हमेशा साथ देता है, कुछ ना कुछ सोच बढ़ती जाती है। तो अभी ये जो आप सैनिटाइजर वाली जो है गणपति, अभी इतना सारा लोग फेमस हो रहे, सब बता रहे, तो आपने भाव बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ाया? नहीं, भाव तो नहीं बढ़ाया ये टाइम में मूर्ति में, उधर से भाव थोड़े बढ़ के आया। मैंने जो मूर्ति बनाया था उसमें खर्चा भी ज़्यादा आया, तो उनको मैं सिर्फ इतना ही बोला, खर्चा मुझे मत दीजिए, सिर्फ जो सामान मैंने लगाया वो मुझे रिटर्न कीजिए, उसमें मेरा वो मजूरी निकल जाएगा, क्योंकि मेरा एक एडवर्टाइज के लिए। तो ये काम कैसे करता है? मोटर अंडर डाला है क्या? ये सेंसर डाले उसमें। अच्छा, ये तो सेंसर समझो गणपति बप्पा के सामने जाएंगे तभी वो सैनिटाइजर होगा, वो बाद में साइड में आएंगे तो सैनिटाइजर नहीं होगा। तो उसमें सैनिटाइजर प्लस पानी मिक्स करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि हम लोग दिया जलाते हैं, लेकिन वो सब दिमाग में रख के ये काम किया गया है। गणपति बप्पा विसर्जन होते टाइम भी लाइट चालू ही रहेगा, सबके गणपति बप्पा अंधेरे में विसर्जन हो जाते पानी में, लेकिन मेरा गणपति बप्पा लाइटिंग चालू और लाइट में विसर्जन होगा, क्योंकि वो लंबे से देखते टाइम मेरा गणपति बप्पा हंसते हुए विसर्जन होते हुए दिखाई देता है। और समझो अभी बहुत सारे जो रहते हैं ऐसे मन्नत मांगते, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन पैसे की वजह से उनका प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने उनको 5-6 महीने का टाइम दिया है, उनके एक रुपया भी मुझे नहीं देने का, वो 5-6 महीने में मुझे थोड़ा पैसा मुझे दे सकते विदाउट व्याज, इसका 0% व्याज रहता है, और बहुत भी आईपत नहीं रहेगी, पैसा नहीं देगी तो भी चलता है। ये सारा गणपति बप्पा का कमाल है कि जो मैंने रेडियो सिटी पे एक छोटी सी कोशिश की थी, एक छोटी सी कहानी जहाँ पर एक कपल को मिलाने की कोशिश की थी, गणपति बप्पा की वजह से कहाँ कहाँ तक पहुँच गई। घाटकोपर में सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर त्रिंबकाना से, मैं घाटकोपर में रहता हूँ। और ये कहानी आपने रेडियो पे सुनी? हमेशा रेडियो सिटी वन का हमेशा सुनता रहता है। हाँ। जो आपने की कहानी सुनी बहुत 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 भारी लगी। वो कहानी ऐसी थे, दो अंध लोग अलग अलग हो गए थे। हाँ। उनको मिलाने का काम करण भाई ने किया है, वो बदलापुर में दोनों का मिलन हो गया, बहुत भगवान की कृपा है। हाउ स्वीट, मतलब आई डिडंट नो, रेडियो हमेशा मैं सोचता था कि लोग सुनते हैं कहाँ, नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी छू जाती है और लोगों तक पहुँचती है, ये सारा गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। दिस इज ट्रूली #पावर ऑफ रेडियो। काका माझ्यासोबत बोला एक बार, गणपति बप्पा मोरिया।